नमस्कार, मैं आपका दोस्त चंद्रपाल और मेरे साथ है कैमरामैन गणेश। तो आज हम पहुंचे हैं गांव मोडाखेड़ा के अंदर। मोडाखेड़ा गांव आदमपुर हलके के अंदर आता है। मोडाखेड़ा गांव के अंदर अधिकतर भजनलाल का जो है जो समर्थक है वे ज़्यादा रहे हैं। अब क्या हालात रहते हैं मोडाखेड़ा गांव के अंदर, तो ग्रामीण बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, राम राम। तो आदमपुर हलका के अंदर चुनाव होंगे, उप चुनाव पक्का होए। तो के विचार लग है, के माहौल अपना गांव का, आपका अनुमान? तो बात करा कुलदीप बिश्नोई की, पहले तो अपना गांव कुलदीप बिश्नोई के भजन लाल जी के साथ थे। साथ ही भी है। अच्छा, है रोड़ स्पष्टीकरण को नहीं आंदा, कोई अंबर दानी कोई नाटा दानी। अच्छा, तो बात करा कांग्रेस की, तो के विचार रहेगा कांग्रेस? वो 13 साल आयो आदमी तो ठीक हो, साल 13 आयो वो। अच्छा, 13 साल आयो को नहीं। ये वोट मांगना आ जाएगा? आ गया वोट मांगना, तो आ गया, आ गया भाई साहब। कहना है मैंने पूछे ही को कराया है को मुड्डा साहब रूस के मालूम को रूस हो 13 साल आयो है। ये कदर उस ओलीव को रूस हुई मुर्गी कदी बदला टिकट कौन दे उड्डो का मन नहीं देगा। आ बात है के समय के मना के था। अच्छा, तो बात करा कुरुडा राम इनेलो पार्टी तक खड़े बहुत कन पूछा बात रड़के काट दे रड़ कट देगा हाँ। को दर दे दार पर। एक अपना जिस तरह पहली राजेश गुदारा खड़िया हुआ करता कुरुडा राम बाल संबंध गांव में 11,300 वोट का गांव है। तो किमें फर्क पड़ेगा लगा में? पड़ेगा लगेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी के विचार ठीक है? ठीक है, वो कई दिन फिर 15 साल। अच्छा, कभी पार्टी किसी बदलता रहे फिर 15 साल। अच्छा, आम टाइम का मादर रोज ही रहे वो। अच्छा, अब तब दाई रहे घड़ा घड़ा 10 दिन काट दे बस। आई जी फिर गिर। अच्छा, आदमी तो ठीक है, वोट देवे नहीं देवे के। तो इनका कड़ा भूपेंद्र उड़ा गया भाई, गड्ढा तोड़ना है, तोड़ दे गड्ढा। आपका अंदाजा है? आपका अंदाजा मुश्किल गड्ढा टूट सके। टक्कर किसकी मानो? टक्कर ही बाकी रोड़ा खड़ा टक्कर बस ला लगे वोट तो सीधा पड़े कैसा लगा जा। अजय मड़े बढ़िया। अच्छा, और वो है तो फर्क कौन पड़ा कि जेपी आ गया? तो ना नहीं, जेपी लारी नहीं आएगा। अच्छा, ये फर्क कौन पड़ा? फिर तो फर्क पड़ जा अंदर अंदर आने का नहीं, फिर फर्क पड़ जा। कुलदीप की साख आएगा अपने गांव में? वो 5 साल आ जाए कटे मान लिया लोग बोले। अच्छा, ये भिन्ना कमा ना? ना, 5 साल हो, 5 साल में एक भिन्ना आ जाए। हाँ, एक भिन्ना आ जाए, ये भी एक भिन्ना होगा फिर। एक भिन्ना को नहीं, एक दिन आओगे समझ आ जाएगा गांव में थारी जुम्मा आएगा। अच्छा, वो कौन आओ फिर? अच्छा, लोग चार लाख रख लिए, गेट दो कुलदीप का, गेट दो कुलदीप का बात है। ठीक है, ठीक है। तू सिले में के दूर है ऐसी एक बात रही है। राम राम। तो राम राम। तो चुनाव होने हैं आदमपुर उपचुनाव, तो आप गए अनुसार के माहौल चल रहे? माहौल भाई 54 साल जीता है, तो भनलाल परिवार है, मैं कहूँ सोगी जोड़ की बात है, मेरे जाना तो कौन आ रहा है? हाँ, ये भजनलाल का पोता खड़े है। हाँ, वो तो पोतो खड़े हो रहा है, वोट तो भनलाल के नाम पर मिलना है। अच्छा, हाँ, पर बदगा टप्पा देना तो बता दिए। कांग्रेस का के रहेगा? तो कांग्रेस का कितने के वोट आ सका आपका अंदाजा? ना भी मैं कौन कह सकूँ, कांग्रेस का वोट ना गिरेड़ा ना गिरा। इनेलो इन लोग गिरेडारी को अपना गांव का माहौल के अनुसार भी कितने के गांव में कुलदीप जीता है? अच्छा, भैया इन लोग वाले भी नहीं जीता है, सो को सो जीता है। हां, ये वो कुलदीप। चलो ठीक है। हां जी, राम राम। राम राम। आदमपुर में उपचुनाव का आगाज हो गया, अपना गांव का आपके अनुसार के माहौल है? माहौल ठीक है हमारे गांव का। तो कौन सी पार्टी जीती जीते वो जीती जीते? अच्छा, तो कुलदीप बिश्नोई की बात करा तो उसका है कि हाँ है काम खो है क्यों टक्कर में वही आओ। अच्छा, कुरुडा राम का? कुरुडा राम तो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर। जितेंद्र तीसरे पर। अच्छा, जयप्रकाश जेपी ने टक्कर ये देगा, कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देगा। अच्छा, हाँ जी, राम राम। राम राम जी, के विचार जी आपके अनुसार गाँव का माहौल? जेपी जीता। जेपी जीता। अच्छा, तो जयप्रकाश जेपी आए थे क्या आपका गांव में? ला 2009 में आयो चुनाव असर मान लिया हो तो मैं तो रा दिया था राय क्या मैं फिर ये जाऊं। अच्छा, मन मारिया पूरी डांगी नहीं डांगी। अच्छा, हां, की बात इतनी खार कुकर खार खार के माधवपुर मंडी में कोई संभाले को नहीं, एक दिन आवा बट खतर है कि मुड़ के नहीं आओ नु कहीं भी संभाल लियो कौन संभाले लाल के। तो तू मारो मत हारो के, तो वो मारो फिर प्राय हो जाएगा जाए बच्चे। ई तो ई भी कह नु आदमपुर तो मेरा परिवार है। कोई परिवार को नहीं आदमपुर, आदमपुर जेपी परिवार बनाऊंगा। उड्डा की सरकार आओगी अड्डा में जेपी परिवार बनाऊंगा। जब भी कहीं नहीं जाऊँ
कह दिया मैं ये रूम है। बताओ क्या था 13 साल तो ही पाया तब तो क्यों बताओ तो क्या कह दे तो मैं कौन कहा वोटर में पक्का इन ओला में पहला जेब पे बिना में जे जी पी वहाँ जे जी पी आर मार्शल दखो कर क्यों बीजेपी के खिलाफ वोट मांगिया बीजेपी ने वोट बीजेपी तो ये भी क्या ये बताना दूसरे दिन क्या है कि किसी ने वोट देने हैं दूसरे दिन यहाँ कोई नहीं बोले वो बैठे हो वो ठीक ही मना है हाँ कालाकोट पेरे ईब करी रान काट दें अगे रान काट दें ये वो कोने बेकार हो गयो मारा साहब दुख कर गयो वोट लेके मारा वोट बेच गयो हम यहाँ पड़े बैठे हाँ कुलदीप तो पुत्र ही कोनी यार वो जो वोट नहीं बेच सर फिर किन्ने रोड दम ना बेच तो आज भी किन्ने रान कुलदीप गोटी मार बैठे रहा है दाम कोनी यार हाँ तो फिर जितने बाद जर वो एकला रह जर पैकर मुना दिया तैयार बैठे मैं कर दवा दूर हाँ बना मुख्यमंत्री बना मार ईब कुल मुना आदमपुर में उपचुनाव है आपका विचार तक क्या माहौल गांव का विचार तो भाई गोपाल के भाई बात है फर्स्ट सेकंड ही चले दोनों कौन चले जेपी रे बबे अच्छा आगे टक्कर है अपना गम है गम में आदमपुर में इसी ने आदमपुर के मामले को सुना लिए पर फिर अलग बात है अच्छा ये दो दोनों पीछे है अच्छा अच्छा वे तीसरा चौथा की लड़ाई लड़ाई ये पहला हाँ ये पहले दूसरे लड़ाई है तीसरा चौथा की लड़ाई आई कहानी लागे मान लो फिर एक हफ्ता पड़ी है के प्रो पब्लिक के फैसलो कर दी तो कई पड़े हैं बदलते रहेंगे हाँ बदलते रहे हैं वोटर के पता लगे बताओ आपका अनुमान था गांव का के माहौल है अपना फर्स्ट सेकंड दोनों ही चले भाई और जेपी कौन निकल सका आपका अंदाजा मारे अंदाजा भाई निकलना चाहिए आगे भव्य निकलना अच्छा तो और भी पार्टियां है सह की मेगा मैं वोट 200-400 ले जी 100-200 वोट लात भी ले जी बेचारा अच्छा कितना काम है कितने वोट अपना कम है कम है 3300-3400 वोट है करीब कितने का पोल हुआ है 2700-2800 करीब हो जी पीछे कौन जीते था पीछे यो कुलदीप कुलदीप जीते अच्छा गम 160 एक वोट के करीब जीती निकली अच्छा बहुत मुकाबलो खेल चल रहा अभी पिछली गेड़ा तो सुनाली थी जब जेपी सुनाली बहुत विपक्ष का वोट है विपक्ष नहीं जाएगा इंगा निजी वोट है इंगा होगा एक न्यू कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट को नहीं आओगी कांग्रेस पार्टी जिस तरह कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में था जिद वोट आए थे ये बीजेपी में भी क्या के भाई ना आवे खुद का पर्सनली वोट है पर्सनल वोट है हां जी बताओ फोन पे दुकान चलो ठीक तो ये था गांव मोटा खेड़ा का चुनावी सर्वे बुजुर्गों ने बताया कि कौन सा कैंडिडेट कौन सा प्रत्याशी आगे निकल सकता है आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा बने रहिएगा चैनल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद।